बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टुडे आई विल टीच यू मिकी माउस मेकिंग ऑन फोटोशॉप फ्रॉम वेरी इजी मेथड। इसके लिए सबसे पहले देखिए, आप एक न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल लेने के बाद आप ये लेयर पैनल्स ओपन करेंगे। लेयर पैनल्स को आप विंडो में जाके लेयर्स के ज़रिए भी ओपन कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की F7 है। न्यू फाइल लेने के बाद आप मिकी माउस बनाने के लिए एक न्यू लेयर ले लेंगे यहाँ से। और न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ हमने कलर सेट कर लिया ब्लैक, और यहाँ से हम लेंगे एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्की टूल लेकर हम ड्रॉ करेंगे, और ऑल्टर बैक स्पेस से इसमें हम ब्लैक कलर दे देंगे। ये फॉरवर्ड स्किन कलर कंट्रोल D से सिलेक्शन ख़त्म कर देंगे। और फिर मूव टूल लिया हमने, एक और न्यू लेयर ली मैंने यहाँ से, और एलिप्टिकल मार्की टूल लिया मैंने। और इसके अब हम ईयर कान बनाएंगे, थोड़े बड़े बनाएंगे। ड्रॉ करने के बाद ऑल्टर बैक स्पेस से कलर दिया मैंने, कंट्रोल D से सिलेक्शन ख़त्म की, मूव टूल लिया, और ऑल्ट और माउस की लेफ़्ट क्लिक कंटिन्यूसली प्रेस करके रखी तो इसकी एक कॉपी आ जाएगी, और वो कॉपी हमने यहाँ लगा दी। ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ज़रा कान के मुकाबले में हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखेंगे। ठीक है जी, ये हमने इसका स्ट्रक्चर बाहर का ड्रॉ कर लिया। ये कंट्रोल और माउस की लेफ़्ट क्लिक से हम ये तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड छोड़ के, और कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे तो ये एक बन गया। ठीक है, अब हम इसका इनसाइड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। न्यू लेयर ली मैंने यहाँ से, मैंने फॉरवर्ड स्क्रीन पर कलर सेट किया। स्किन कलर ले लेती हूँ, और यहाँ से हमने एलिप्टिकल मार्की टूल लिया। एलिप्टिकल मार्की टूल लिया और लेकर ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर दे दिया मैंने। और ड्रॉ करने के बाद, कलर देने के बाद कंट्रोल D से सिलेक्शन ख़त्म कर दी मैंने, और एक और इसकी कॉपी ले ली। इस तरह मैंने इसके बाहर रख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब न्यू लेयर ली मैंने फिर, और अब हम इसके चिक्स बनाएंगे, इसके गाल बनाने के लिए हम दोबारा से एलिप्टिकल मार्की टूल लेंगे। एक्चुअली ये पूरा एलिप्टिकल मार्की टूल से ही ड्रॉ होगा। ऑल्टर बैक स्पेस से हमने इसमें कलर दिया, कंट्रोल D से सिलेक्शन ख़त्म कर दी, और कंट्रोल P से इसको थोड़ा सा इस तरह से करके हम, अगर साइज़ बड़ा है तो छोटा कर लें, वैसे इसको हम इस तरह से कंट्रोल T देखें, आपको पता है ट्रांसफॉर्म होता है, छोटा बड़ा करने के लिए, घुमाने के लिए होता है। हम इसको जो है गोल घुमाएंगे, इस तरह से हमने यहाँ लगा दिया ऐसे। और अब हम इसकी कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के लिए क्या करेंगे हम, या तो कंट्रोल C कंट्रोल V कर दें, या लेयर्स की डुप्लीकेट कॉपी लेनी है तो कंट्रोल J कर दें। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ लेयर 2 की कॉपी आ गई। अब इस जो हमने कॉपी ली है इस लेयर की, हमें पोजीशन चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, एडिट ट्रांसफॉर्म और फ्लिप हॉरिजेंटल। फ्लिप हॉरिजेंटल करेंगे तो इसकी पोजीशन सामने आ जाएगी, तो हम इसको सामने लगा देते हैं। ये थोड़ा सा सेट करते हैं हम। अच्छा, अब देखिए, आप देख सकते हैं बीच में एक हॉल आ रहा है, तो इस हॉल को बंद करने के लिए हम एक न्यू लेयर लेंगे। और न्यू लेयर लेने के बाद दोबारा से यहाँ से एलिप्टिकल मार्की टूल लेंगे, और एलिप्टिकल मार्की टूल लेने के बाद हम इसको ड्रॉ कर देंगे, और इसमें हमने इस तरह कलर दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब कलर देने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए, हमने इसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। मूव टूल से थोड़ा बहुत मैं मूव कर रही हूँ, जिस तरह से मुझको, मतलब कि ये सही लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो लेयर है ना, ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से हम ये सारी लेयर सेलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल E से मर्ज कर देंगे जब आपको ये शेप सही लगने लगे। कंट्रोल T देखिए, अब ये देखिए, कंट्रोल T से आप इस तरह बड़ा कर सकते हैं। बड़ा नहीं कर रही, लेकिन समझा रही हूँ आपको कि अगर कोई चेंजेस करनी है आपको, तो आप इस तरह से कंट्रोल T से, आप अगर शिफ्ट प्रेस रखें तो चारों कोनों से देखिए एक जैसा छोटा बड़ा हो जाता है, या आप डायरेक्ट कर दीजिए। वैसे मेरा ये शेप बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ से एक न्यू लेयर ली। न्यू लेयर लेने के बाद एलिप्टिकल मार्क्यू टूल लिया। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल लेने के बाद यहाँ ये ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैंने इसमें कलर दे दिया वाइट कंट्रोल बैक स्पेस से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म कर देंगे। एडिट में स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे, स्ट्रोक विथ 1 रखेंगे और स्ट्रोक का कलर ब्लैक दे देंगे। अच्छा जी, अब मैं इसके लेंस ड्रॉ करती हूँ। लेंस ड्रॉ करने के लिए न्यू लेयर ली मैंने यहाँ से। न्यू लेयर लेने के बाद दोबारा एलिप्टिकल मार्कर टूल लिया मैंने। कलर दे दिया अल्टर बैक स्पेस से। और इसकी मुझे कॉपी लेनी है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करके कंट्रोल ई से मर्ज कर दूंगी। और इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ मैं। अल्टर और माउस की लेफ्ट क्लिक से ले लें या लेयर की। अच्छा, ये अभी मर्ज नहीं हुआ है। अच्छा, ये दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर दें। कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया मैंने। अब इसकी कॉपी ले ली मैंने ऑल्टर और बैक स्पेस से। अब इसकी जो मैंने कॉपी है, इसकी मुझे पोजीशन चेंज करनी है। तो हम दोबारा से एडिट ट्रांसफॉर्म और फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे। ठीक है जी, अब मैं इसकी नोज़ ड्रॉ करूँगी। न्यू लेयर लेंगे और इसकी नोज़ ड्रॉ करेंगे। नोज़ ड्रॉ करने के लिए हमने एलिप्टिकल मार्कर टूल दोबारा से लिया, ड्रॉ किया, इसमें कलर दे दिया ऑल्टर बैक स्पेस से। कंट्रोल डी से मैंने इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दी, सेंटर में ले आई। अब मैं इसका माउथ ड्रॉ करूँगी, मुंह ड्रॉ करूँगी। न्यू लेयर ली मैंने। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से एलिप्टिकल मार्कर टूल लिया और लेकर ड्रॉ किया। एडिट में स्ट्रोक अप्लाई किया इसके ऊपर। स्ट्रोक विथ हमने 2 रखी इसकी, और स्ट्रोक विथ 2 रखने के बाद कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म कर दी। अब मुझे इसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट चाहिए, बाकी पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल मार्कर टूल ले लूँगी और रेक्टेंगल मार्कर टूल लेकर हम ड्रॉ करेंगे। जितना पार्ट आपको नहीं चाहिए उस पे आप रेक्टेंगल मार्कर टूल ड्रॉ कर देंगे। हम मैंने डिलीट दबा दिया कीबोर्ड से, देखिए वो पार्ट डिलीट हो गया। अब मैंने ये जो नीचे का मेरा पार्ट रह गया है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर आई। कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट ले लूँगी, कंट्रोल टी करूँगी। जो डुप्लीकेट कंट्रोल जे से ली है इस लेयर की, मैंने उस डुप्लीकेट का साइज़ मैंने छोटा किया इस तरह से करके। शिफ्ट प्रेस रखा ताकि चारों कोनों से एक जैसा छोटा हो। इंटर किया, कंट्रोल टी, ख़त्म हो गया ट्रांसफॉर्म। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम जो है इस तरह सेट कर लेंगे। कंट्रोल टी दोबारा से करेंगे, इसको इस तरह करते हैं। ठीक है जी, दोनों लेयर्स को ये देखिए, ये लेयर है कंट्रोल टी से थोड़ा सा इसको बड़ा करें। देखिए ज़्यादा बड़ा है तो फोटोशॉप में आप साइज़ बिल्कुल सही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको बड़ी चीज़ को छोटा तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा बड़ा करेंगे तो उसके पिक्सल्स आउट होते हैं। ठीक है जी, तो आप शुरू में ही साइज़ इसका सही ड्रॉ करें। अब मैंने ये दोनों लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल ई से मर्ज कर दी। ठीक है, तो ये हमारा माउथ ड्रॉ हो गया। ये देखिए, ये इस लेयर पर है माउथ हमारा, ये देखिए। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर कलर देना है, तो ब्लैक कलर सेट हुआ हुआ है। एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ, पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल से मैं इस पर ब्लैक कलर दे दूँगी। अब मुझे इसकी टंग बनानी है। टंग भी मैंने न्यू लेयर पे बनानी है। न्यू लेयर ली मैंने, और न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से एलिप्टिकल मार्कर टूल लिया मैंने, और एलिप्टिकल मार्कर टूल लेने के बाद ड्रॉ किया मैंने। अब मैं कलर दे दूँगी, ग्रेडियंट दे देती हूँ। ग्रेडियंट टूल मैंने सेट किया, यहाँ ऊपर से कलर बनाए मैंने। एक तरफ ये रेड ले लिया, दूसरी तरफ बीच में थोड़ा सा ऑरेंजिस टाइप ले लेते हैं, थोड़ा सा इससे या तो डार्क ले लेते हैं।
कलर दूसरी तरफ ये वाला रेड लेते हैं। इसी के लीनियर ग्रेडियंट पे होना चाहिए। कंट्रोल डी सिलेक्शन ख़त्म। अभी देखिए जो टंग है मैं इसके अंदर लेके जाना चाह रही हूँ इसे, तो मैं क्या करूँगी, लेयर में एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स, ये लेयर इसके अंदर जाना चाह रही है, मतलब कि ज़बान इसके में इसके मुंह के अंदर लेके जाना चाह रही हूँ, तो क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स लेयर मेन्यू में जाकर क्लिक कर दूंगी। देखिए ये ज़बान इसके अंदर चली गई, ठीक है जी। इसके अलावा भी आप बहुत सी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं फ़िलहाल ये सारी लेयर्स को सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से और कंट्रोल ई से मर्ज कर दूंगी, ठीक है। कंट्रोल टी किया मैंने, देखिए हमारा मिकी माउस का जो फेस था वो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। चाहे तो आप इस पे नीचे बॉडी भी बना सकते हैं, बॉडी बनाना इजी होती है। अच्छा इसकी हम कॉपी ले लेते हैं ऑल्टर और माउस की लेफ्ट क्लिक से, ठीक है जी। इस पे कोई बैकग्राउंड अप्लाई कर देते हैं, बैकग्राउंड मैंने क्लिक किया या न्यू लेयर ले लें। अब इस पे मैंने कलर ले ली, या तो ये दे दें या फिर ग्रेडियंट कलर दे दें, सिंपल कलर नहीं देना चाह रहे आप तो कीबोर्ड से प्रेस किया तो ग्रेडियंट बार ओपन हो गई। और फिर फिल्टर में रेंडर में ग्रेडियंट कलर मैंने ड्रैग कर दिए, दो कलर बना गया, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। और मैं फिल्टर मेन्यू में रेंडर में क्लाउड्स अप्लाई कर दिया मैंने, या अगर आपको ये वाला नहीं अप्लाई करना, ये दूसरे तरह से भी अभी देखिए रिवर्स पे आ रहा है, ये इधर से दोनों पे हटा देंगे, ये देखिए अभी रिवर्स पे से मैंने हटा दिया तो अब ये सही हो गया, ठीक है जी। अब दोबारा से फिल्टर में रेंडर क्लाउड्स, ठीक है जी। अच्छा अब आज की लास्ट में उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम कोई मसला हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा व्यूवर्स एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि जब आप ग्रेडियंट कलर बनाते हैं और इस पर अप्लाई करें और इस पर से कोई ऑप्शन अप्लाई करें तो ज़रूरी है कि वो कलर यहाँ भी बने हुए होने चाहिए, वरना वो कलर फिर ग्रे में चले जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ ब्लू और ये फिरोजी कलर लिया हुआ है और ऊपर ग्रेडियंट में भी बनाया है, तो यहाँ बना हुआ होना चाहिए, वरना अगर यहाँ नहीं बने हुए होंगे आपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पे तो वो कलर फिर किस पे चला जाएगा, ग्रे स्केल पे। जैसे मैंने फिल्टर में रेंडर में अब मैंने इस पर क्लाउड्स अप्लाई कर लिए, देखिए बिल्कुल सही अप्लाई हुआ। अल्लाह हाफिज़।